जैसे जैसे ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे इसके अन्य लक्षण भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में ओमिक्रॉन के मरीजों ने ठंड लगने जैसे लक्षणों की सूचना दी तो कुछ लोगों ने त्वचा संबंधित समस्या का सूचना दी है। कोविड 19 संक्रमित मरीजों द्वारा बताए गए लक्षणों का विश्लेषण करने वाली स्टडी ऐप जो कोविड पर मरीजों ने बताया कि उन्हें त्वचा पर रैशेज का अनुभव होता है। विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि अधिकतर मरीजों ने तीन अलग अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होने के बारे में बताया है। वो कुछ इस प्रकार से है। ये उभरे हुए निशानों के रूप में दिखाई दे सकती है और इसमें बहुत खुजली होती है। इसमें आमतौर पर त्वचा पर उभरे हुए धब्बे और लाल धब्बे दिखाई देते हैं और ये शरीर पर कहीं भी हो सकती है। इसमें खुजली हथेलियों या तलवों से शुरू हो सकती है। ये खुजली या निशान आमतौर पर कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं। यदि आपको भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो संदेह दूर करने के लिए कोविड टेस्ट करा ले। प्रिकली हीट यानी नुकीले दाने, इसे हीट रैशेस के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शरीर में छोटे उभरे हुए धब्बे हो जाते हैं जो चुभने वाली होती है। ये धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और इनमें सूजन भी हो जाती है। इसके बाद इनमें खुजली होने लगती है। यह शरीर की किसी भी हिस्से में हो सकता है। कोहनी, घुटने और हाथों और पैरों की पीठ पर ऐसे कांटेदार धब्बे होना आम बात है। बीबा या सिलब्लेंस, सिलब्लेंस शरीर पर छोटे खुजलीदार लाल धब्बे होते हैं। वो ऐसे दिखते हैं जैसे ठंड में रहने के बाद दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर पैर और पैरों की उंगलियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये चेहरे पर भी हो सकते हैं। इससे त्वचा में खुजली या जलन हो सकती है और प्रभावित क्षेत्र में लाल रंग के निशान या सूजन वाले धब्बे दिख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो संदेह दूर करने के लिए कोविड टेस्ट जरूर कराएं।